बॉलीवुड में हर साल छोटे बड़े बजट की कुल मिलाकर सैकड़ों फिल्में बनती हैं। इनमें हर तरह की फिल्में होती हैं, कुछ केवल बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं तो कुछ बड़ों को ध्यान में रखकर। सभी फिल्में सफल नहीं होती, लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है। कुछ फिल्में आप आसानी से अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर देख सकते हैं, जबकि कुछ तो आप देखते समय शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। कुछ फिल्में जो बड़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, उन्हें देखने में तो बहुत मजा आता है, उन्हें पूरा परिवार भी देख सकता है, लेकिन अकेले अकेले। जी हाँ, आप ऐसी फिल्मों को अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। इन फिल्मों में एडल्ट कंटेंट कुछ ज्यादा होता है, जगह जगह किसिंग सीन्स होते हैं। ऐसे में आप इन फिल्मों को अपने परिवार के साथ कैसे बैठकर देख सकते हैं? आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भूलकर भी अपने परिवार के साथ ना देखें। जी हाँ, इस फहरिस्त में पहली फिल्म है जिस्म। जॉन अब्राहम और विपाशा बसु की यह फिल्म 2003 में आई थी। दर्शकों की इस फिल्म को खूब पसंद भी किया गया था। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए थे, लेकिन फिल्म में बोल्ड दृश्यों की भरमार थी, कई बैड सीन भी थे। इस तरह की फिल्मों को भारतीय समाज में परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता। रागिनी एमएमएस एक हॉरर फिल्म थी जिसकी निर्माता एकता कपूर थी। यह फिल्म काफी सफल रही थी। इसकी सफलता के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि यह फिल्म एडल्ट कंटेंट से भरी पड़ी थी। इस फिल्म में कई बैड सीन्स भी थे। इस फिल्म को अपने आप पार्टनर के साथ तो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन भूल कर भी कभी अपने परिवार के साथ देखने की कोशिश भी ना करें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया की रिपोर्ट।